हाय गाइस, हम अभी जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए और अभी फिलहाल मैं घर से रेडी होके जा रहा हूँ। तो मेरे पीछे मेरा स्कूटी खड़ा है और ये देखो मेरा हेलमेट का सेटअप जो मैंने बनाया है, इस गोप्रो की माउंट के माउंट को हेलमेट पर लगाया है और ये है मेरा वायर, हेडफोन का वायर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी चलो हम जाते हैं सीधे आपको मोटो ब्लॉगिंग में मिलेंगे रास्तों पर। ओके चलो। दोस्तों ये देखो खतरनाक वाला व्यूज, और साइड में दूर दूर तक कहीं पर भी आपको घर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो दूरी तक आपको शायद जंगल दिख रहा है, यार शायद नहीं यही जंगल है, और इस साइड भी ये जंगल, और अपना दोस्त लोग तो वहाँ पर गए हैं वो देखो। ये रोड है यार खतरनाक लेवल का रोड, और अपनी ये रही स्कूटी जो भाई बाइक तो नहीं है, फिर इससे ही काम चलाना पड़ेगा, छोटा बड़ा तो कुछ नहीं होता। ये देखो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ये ग्राफिक्स जो मैंने लगाया है, और ये लाइट के बीच में येलो जो पेपर है उसको रैप किया है, और ये जो रिम के चारों तरफ येलो सा दिख रहा है वो मॉडिफिकेशन किया है, और ये अगली पीछे दोनों, और ज़्यादातर मैंने ये सीट कवर लगाया है ड्यूल टोन का, और कुछ नहीं किया, और यहाँ पे थोड़ा सा हैंडल ग्रिप है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो आगे मिलेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारा शॉट्स दिखाएंगे। दोस्तों फिलहाल फोटो सेशन और जो भी काम था यहाँ पे हमने सब कर दिया, फोटो भी ले लिया अच्छी तरह से, और अभी हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के ओर जहाँ पर हमें जाना था। थोड़ा सा बहुत ही लेट हो गए, आपको कैमरा में शायद बता नहीं चल रहा, पर ऐसा लग रहा है कैमरा में आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक भी शाम ही हुआ है जैसा, पर रियलिस्टिक में ऐसा नहीं है, अंधेरा होने में थोड़ा सा बचा हुआ है, आधा घंटा का टाइम और ज़्यादा नहीं है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का व्यू देखो यार कितना मस्त है, और राइट साइड में ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना बंदे लोग खेल रहे हैं। ये रोड का व्यू देखो तो आप समझ ही सकते हो कितना शानदार रोड है, मतलब रोड तो है ही अच्छा पर शानदार नहीं कह सकते हो,
अब ये नेचर का जो लुक है ना गजब का, इसके वजह से ये रोड भी सुंदर हो रखा है। और अब शाम के वक्त आप यहाँ पे घूमने के लिए आओ तो बेस्ट प्लेस है यार, घूम सकते हो, बैठ सकते हो, जो भी कर सकते हो, थोड़ा सा चिल अप भी कर सकते हो। घूमना है, काम भी है, वो करके हम लौटेंगे जल्दी ही, वरना ये ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और अपना टाइम भी थोड़ा सा कम है। और ये मेरा राइट साइड में ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये बनाया था जैसा ऐसा ही है, कुछ सेशन भी चालू हुआ है या नहीं ये भी पता नहीं है। यहाँ पे जब भी आता हूँ कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखता है। ये बना के हो गया 4 से 5 साल तो हो गया आराम से, मतलब 6-7 साल तो हो चुका है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा कम ही बोल दिया, 4-5 साल। और ये जो कौन सी गांव आ गया, इधर गांव के अंदर इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना कि आपको बार बार ब्रेक में हाथ रखना ही पड़ेगा। लो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं केसड़ी में, और ये केसड़ी में शायद कुछ मेला बैठा हुआ है, जाते वक्त हम देख के जाएंगे। और ये जो मेरा राइट साइड में है, राइट साइड में इधर हॉस्पिटल है, राइट साइड में हॉस्पिटल है। और ये जो मेले का पहला गेट आ चुका है, और हम अपना काम ख़त्म करके मेले में जाएंगे। इधर शायद बारिश हुआ था यार, इसलिए थोड़ा सा पानी जम चुका है। और ये ज़्यादा ही क्राउड सा एरिया है यार, ये मेले में ज़्यादातर भीड़ नहीं हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। अपना जो काम था उसको ख़त्म करके अभी मेले में थोड़ा सा घूमेंगे और चिल अप करके घर की तरफ जाएंगे। और ये है सीधा मेन मार्केट जो केसड़ी का है। अभी ये सीधा रोड जाएगा आपको दीघा बेलदा की तरफ, और अभी अंधेरा हो चुका है, आप देख ही सकते हो यार मोटर ब्लॉगिंग में कैसा आपको आ रहा है या नहीं, शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अभी थोड़ा हम पेट्रोल पंप में जाएंगे, वहाँ चलो दोस्तों अभी फिलहाल जाते हैं, जो काम था वो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, जो काम था उन्हें हमने किया है। और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो मेला में जाएंगे, मेला में थोड़ा सा घूमेंगे और सीधा घर की तरफ निकल जाएंगे।